हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे सी की धारा सत्रह के बारे में यदि आप सी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं सी की धारा सत्रह के बारे में ये कहती है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कौन हो सकेंगे और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कौन हो सकेंगे और इनकी नियुक्तियां किन के द्वारा की जाएंगी इसके संबंध में हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट दिया है उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बना सकेगा या नियुक्त कर सकेगा यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा कि जो महानगर मजिस्ट्रेट है उनमें से किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो है उस महानगर के संबंध में बना सकेगा पॉइंट नंबर बताया गया उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को क्या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बना सकेगा या नियुक्त तो कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्सम प्रवक्त किसी विधि के अधीन इस संहिता के अधीन मतलब के सीआरपीसी की सीआरपीसी उन्नीस के अंतर्गत या उस समय जिस समय यह कार्य किया जा रहा हो यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा हो अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तो ऐसे समय में उस समय जो विधि चलती हो जिस समय यह बनाया जा रहा हो किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सब यानी कि पूरी की पूरी शक्तियां किसकी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की या उनमें से कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश देगा यानी उच्च उच्च न्यायालय जो है यानी कि हाईकोर्ट उसका निर्देश देगा वे सारी शक्तियां अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को होंगी कौन सी वाली मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां होती हैं वैसी के वैसी कब होंगी जब उच्च न्यायालय निर्देश देगा कितनी होंगी या तो सारी की सारी होंगी या फिर जो उच्च न्यायालय बताएगा यानी कि हाई कोर्ट बताएगा उतनी शक्तियां ये अपर मुख्य मजिस्ट्रेट को होंगी इस संबंध में हम विधायी परिवर्तन देख लेते हैं विधायी परिवर्तन का मतलब यह है कि सीआरपीसी की धारा अठारह में भी चलती थी और सीआरपीसी अब उन्नीस में भी लागू की गई है तो अट्ठारह में और उन्नीस में क्या परिवर्तन आया है इसको कहेंगे हम विधायी परिवर्तन तो विदाई परिवर्तन में यह है कि यह धारा वर्तमान में अठारह की धारा 18 की उपधारा एक और चार के अनुरूप है यानी कि पहले यह जो धारा चलती थी अठारह में जो धारा यह चलती थी यह 18 पे थी और अब यह धारा 17 है अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है एक और परिवर्तन हुआ है कि पहले क्या है प्रेसिडेंटी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कहा जाता था किनको महानगर मजिस्ट्रेट को अब क्या कहा जाता है अब महानगर मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं अब क्या है कि पहले जो मुख्य मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कहा जाता था उसके स्थान पर अब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहा गया और अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को अब क्या कहा गया अब कहा गया अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट यह परिवर्तन आया है सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी अठारह की धारा अठारह थी पहले और अब ये हो गई है धारा सत्रह सीआरपीसी उन्नीस सौ तिहत्तर में अंतर यह, यह आ गया है कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को महानगर मजिस्ट्रेट बना दिया गया है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बना दिया गया तो आज की वीडियो में इतना ही मैंने सीआरपीसी से रिलेटेड आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं यानी कि पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है जिसका लिंक आपको यहां पर क्लिक करने से मिल जाएगा यानी कि आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेलाइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद